बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी मजे में होंगे। भाषा ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बच्चों पढ़ाऊंगी तीन अक्षर से बने शब्द कि तीन अक्षरों को जोड़कर हम कैसे शब्द बनाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको दो अक्षर से बने शब्द और शब्दों से बने वाक्य बताए थे। अब आज हम शुरू करेंगे तीन अक्षर वाले शब्द। तीन अक्षरों वाले शब्द अ प्लस म प्लस न, अमन। च प्लस म प्लस न, चमन। द प्लस म प्लस न, दमन। मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िए बच्चों। म प्लस ह प्लस क, महक। म प्लस ग प्लस र, मगर। अ प्लस ग प्लस र, अगर। ल प्लस प प्लस क, लपक। द प्लस ह प्लस क, दहक। स प्लस फ प्लस ल, सफल। सफल का मतलब क्या होता है? सक्सेस होना, किसी काम में हमें सफलता प्राप्त करना। भ प्लस ज प्लस न, भजन। भजन क्या होता है? जो भगवान जी का भजन करते हैं, आपकी दादी नानी भी करती होंगी। स प्लस म प्लस झ, समझ। भ प्लस र प्लस न, भरन। ड प्लस ग प्लस र, डगर। न प्लस य प्लस न, नयन। नयन का मतलब होता है बच्चों आँख। ह प्लस व प्लस न, हवन। म प्लस द प्लस द, मदद। मदद होता है बच्चों किसी की हेल्प करना, मदद करना। अब देखिए तीन अक्षरों का अभ्यास करेंगे, इनको पढ़ेंगे। आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़िए। तरफ तरफ, चरण चरण, बहन बहन, नकल नकल, नमक नमक, फसल फसल, नसल नसल, खबर खबर। किसी को खबर देते हैं ना हम लोग, मैसेज देते हैं। चरण चरण, चरण का मतलब होता है बच्चों पैर। डगर डगर, इधर इधर, उधर उधर। भवन भवन, भवन पे बोलते हैं बच्चों बहुत बड़े बड़े घर जो होते हैं उन्हें हम भवन बोलते हैं, घर को भी भवन बोलते हैं। नहर नहर, सरक सरक, अकल अकल, लपक लपक, लखन लखन, शरम शरम, सहन सहन, मदन मदन, बदन बदन, शहर शहर, सरल सरल, दहन दहन, करण करण, चरण चरण। इस वाले चरण का मतलब होता है पैर, और ये वाला जो चरण था इस ये किसी का नाम हो सकता है। ठीक है बच्चों। मरण मरण, शरण शरण, हरण हरण, अमर अमर,
भरण भरण। बच्चों ये हमने तीन अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास किया है, आप लोग भी अवश्य कीजिएगा। और मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से भी देखकर पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी दीजिएगा, सजेशन बॉक्स कुछ आप सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।